आज थमेगा छठे चरण का चुनाव प्रचार। 25 मई को होगी वोटिंग। 8 राज्यों की 58 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। दिग्गजों की साख दांव पर। हरियाणा के सिरसा में बोली प्रियंका गांधी, कहा राज्य में कांग्रेस की जबरदस्त लहर, तय हो गई है बीजेपी की विदाई। पीएम के नाम पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, बोले जीत के 48 घंटे के अंदर घोषित करेंगे पीएम का नाम। राहुल गांधी ने जारी किया वीडियो, बोले मोदी का टेम्पो भ्रष्टाचार फैलाने वाला, मेरा टेम्पो रोजगार और न्याय दिलाने वाला। बीजेपी पर हमलावर हुए कांग्रेस नेता सचिन पायलट, बोले भाजपा ने किया जनादेश का अपमान, आम जन के साथ विश्वासघात का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का पीएम पर ट्वीट, लिखा मोदी जी संविधान ने दिया है आरक्षण का हक, इसे खत्म करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। पटपड़गंज में बोले आप सांसद राघव चड्ढा, कहा राहुल गांधी दबाएंगे झाड़ू का बटन तो वहीं केजरीवाल दबाएंगे पंजे का बटन। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और वाराणसी सीट से प्रत्याशी अजय राय का बयान, बोले हर चरण में आगे बढ़ रहा है इंडिया गठबंधन, कहा यह आंधी सातवें चरण में ले लेगी सुनामी का रूप। केजरीवाल के माता पिता से पूछताछ के मामले पर सांसद संजय सिंह का बयान, बोले राजनीतिक दुर्भावना में इतना नीचे गिर गए हैं पीएम मोदी, दिल्ली और देश के लोग देंगे इसका जवाब। 25 मई को चुनाव के दिन सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, सुबह 4 से 6 हर आधे घंटे में चलेगी मेट्रो, 6 बजे के बाद निर्धारित समय पर चलेगी दिल्ली मेट्रो। मिर्जापुर में राजा भैया की पार्टी का सभा प्रत्याशी को समर्थन, अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद से बड़ी तल्खी, खुद राजा भैया के प्रचार करने का अनुमान। मतदान प्रतिशत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, बोले आंकड़ों को लेकर मतदाताओं के मन में संदेह है, चुनाव आयोग को देना होगा इसका जवाब। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का आरोप, कहा मेरे काफिले की गाड़ियों की हुई जांच, बोले पीएम के पोस्टर्स नहीं दिखते आयोग को, जनता देगी इसका जवाब। राजा भैया पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा हमें संगठन पर पूरा भरोसा, राजा नहीं अपने दम पर जीतेंगे चुनाव। आज दिल्ली में राहुल गांधी करेंगे जनसभाओं को संबोधित, तो वहीं हरियाणा में आज प्रियंका गांधी करेंगी प्रचार।